केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है। एक नए नियम के तहत सरकार के कर्मचारी टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, रिटायरमेंट पर तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं। तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने को शताब्दी ट्रेन के बराबर ही माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 12 सितंबर 2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में से जुड़ी जानकारी दी गई। ऑफिस मेमोरेंडम में तेजस एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने पर सहमति दी गई है। केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, रिटायरमेंट के दौरान तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दूं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ट्रैवलिंग अलाउंस से जुड़ी जानकारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2016 में दर्शाई गई थी। यानी कि अब केंद्रीय कर्मचारी अगर किसी काम के लिए अगर उनका ट्रांसफर होता है या रिटायरमेंट होता है, उस वक्त अगर यातायात की ज़रूरत है तो उसका खर्च सरकार देगी और वो भी तेजस से उन्हें यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार सरकारी अधिकारियों को प्रीमियम ट्रेनों, प्रीमियम तत्काल ट्रेनों, सुविधा ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति देने का फैसला किया गया था। इसके अलावा विभाग ने प्रीमियम तत्काल के चार्ज और आधिकारिक दौरे परीक्षण के दौरान शताब्दी, राजधानी, दुरंतो ट्रेनों में डायनेमिक फ्लेक्सी टिकट का रिइंबर्समेंट करने की भी अनुमति दी थी।